गुड मॉर्निंग बच्चों। सो कई दिनों से हम लोग का ये चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और कुछ बच्चे जो बीच में एंट्री करते हैं, जिनको ये चैप्टर बीच से समझ में नहीं आता, ऐसा मुझे पता चला है। तो जब भी ऐसा हो तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने पीछे में क्या क्या पढ़ाया हुआ, क्योंकि ये बीच में टॉपिक अगर आएंगे तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मुश्किलें ना आए। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आर एच विटेकर के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। एक साइंटिस्ट है आर एच विटेकर, और आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 5 मुख्य किंगडम में बांटा जा सकता है। यस, उन्होंने बताया कि इस दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 मुख्य किंगडम में बांटा जा सकता है। और वो 5 मुख्य किंगडम के नाम उन्होंने बताए, इट वॉज लाइक मोनेरा, इसके बाद उन्होंने दूसरा किंगडम बताया प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम बताया फंजाई, चौथा किंगडम बताया उन्होंने प्लांट्स, और 5वां किंगडम बताया एनिमल। एक बार मैं वीडियो देखेंगे, क्योंकि कई बार ब्लर हो जाता है और आपको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, सो आर एच विटेकर ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वो इन सब को मिला करके उन्होंने 5 किंगडम बनाए, मोयरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। खास बात ये थी कि उन्होंने बताया कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर लोग हैं, एक कोशिकीय लोग हैं। एक कोशिकीय प्राणी आएंगे, यानी मोनेरा में भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर लोग आएंगे, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर लोग आएंगे। और विटेकर साहब ने बताया कि फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, मल्टी सेलुलर। तो 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर। ये बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपके सामने 5 लोग आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। एक और बात, अगर आप ये एक वर्टिकल लाइन खींचते हो तो आपको जो मोनेरा मिलेगा दे आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यानी जिनकी सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होगा। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बार बार पढ़ाना नहीं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक, जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो दोज आर नोन एज प्रोकैरियोटिक। ओके, और बाकी चारों किंगडम, कौन कौन 4 किंगडम है, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, दे आर यूकैरियोटिक। ये सब के सब यूकैरियोटिक किंगडम है। और यूकैरियोटिक का मतलब है इनकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा, इसलिए बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो फिलहाल इनका क्लासिफिकेशन मैं पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आपको आर एच विटेकर साहब को याद करना पड़ेगा, और आर एच विटेकर साहब ने बताया कि इस दुनिया को जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में, बड़े बड़े किंगडम में बांटा जा सकता है। और ये 5 बड़े बड़े किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। कितने किंगडम है? 5। अब इन 5 किंगडम में 2 किंगडम यूनिसेलुलर है, कौन कौन? मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेलुलर है।
तीन मल्टीसेलुलर है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। याद रखना ये मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर। लेकिन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल मल्टीसेलुलर होने के साथ कैसे हैं? यूकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होने के साथ कैसा है? यूकैरियोटिक। और मोने यूनिसेलुलर होने के साथ कैसा है? प्रोकैरियोटिक। तो अगर थोड़ा भी दिमाग है तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों दिख जाएंगे। सिमिलरिटी ये है कि ये भी एक कोशिकी है, एक कोशिका के बने, ये भी एक कोशिकी है, एक कोशिका के बने, बोथ आर यूनिसेलुलर। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर। ये हो गई सिमिलरिटी। लेकिन डिफरेंस क्या है? मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक। वैसे जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग को जो आज से पढ़ना चालू कर रहे हैं, इस तब तरीके का क्लासिफिकेशन मैं पहले पढ़ा चुका हूं। पिछले वीडियो देख करके आप आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉपिक समझ में आना नहीं होता। तो मैं पहले से बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं वो ये आपके सामने होना चाहिए। ओके, वंस मोर आई वॉन्ट टू चेक द कैमरा। अगर आप इन सब चीज़ों को सही ढंग से देख पा रहे हैं देन आपको क्या फायदा मिलने वाला है वो मैं आपको बताता। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए। मैंने आपको मोनेरा पूरा पढ़ा रखा है और बताया था कि मोनेरा में बैक्टीरिया नाम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। और मैंने मोनेरा आपको पढ़ा रखा है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। आज का हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है? प्रोटिस्टा। तो आज हम लोग प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में कौन कौन लोग आएंगे। लेकिन इतना क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए, इतनी बात आपको हमेशा से मालूम होनी चाहिए कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल क्या क्या। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आर एच विटेकर, जिन्होंने पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में बांट दिया। ये पांच किंगडम के नाम है, पहला किंगडम मोनेरा है, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा है, तीसरा किंगडम फंजाई है, चौथा प्लांट है, पांचवा एनिमल है। बोर्ड में ना होने के बावजूद भी मैं पूछूंगा कि यूनिसेलुलर कितने किंगडम है, तो बोलेंगे दो किंगडम है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर कितने किंगडम है, तो आप बोलोगे तीन किंगडम है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। फिर मैं बोलूंगा यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक कौन है, किनका न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, आप बोलोगे मोनेरा, एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। फिर यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक लोग कौन कौन से, फिर आप बोलोगे यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक है प्रोटिस्टा। और आज हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक प्रोटिस्टा ही है। देखते जाइए प्रोटिस्टा को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे पढ़ते हैं, व्हाट इज प्रोटिस्टा एंड हाउ इट कैन बी स्टडीड। ओके, सबसे पहली बात तो प्रोटिस्टा की खास बात है कि दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो ये हो गई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह हो गई कि दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने की वजह से हम बता सकते हैं कि मोनेरा से ये बिल्कुल डिफरेंट है। मोनेरा से तो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, मोनेरा भी यूनिसेलुलर था, मैंने अभी अभी लिखा था, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक था। आप कहेंगे फिर से वही बात लिख दी सर, आप बोर्ड चेंज करके वही बात लिख देते हो। मैं कहूंगा नहीं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंजाई, आपने कभी ना कभी सुना होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं प्लांट, और मैं आपको बताना चाहता हूं एनिमल। आप इन तीनों को फिर से गौर से देखिए, एक है फंजाई, एक है प्लांट और एक है एनिमल। तो मैंने कहा विटेकर साहब ने फंजाई को, प्लांट को और एनिमल को, इन तीनों को माना मल्टीसेलुलर, कि सर फंजाई शुड बी मल्टीसेलुलर, प्लांट शुड बी मल्टीसेलुलर और एनिमल शुड बी मल्टीसेलुलर। लेकिन सच्चाई ये है कि सारे फंजाई मल्टीसेलुलर नहीं होते, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं। देयर आर सम यूनिसेलुलर फंजाई। अच्छा भाई, दूसरी एक और समस्या है कि दुनिया के सारे प्लांट मल्टीसेलुलर नहीं होते, सम प्लांट आर यूनिसेलुलर प्लांट।
इवन दुनिया के सारे एनिमल भी बेटा मल्टी सेलुलर नहीं होते, देयर आर सम यूनिसेलुलर एनिमल। अब आप समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश ये करिए कि फंजाई मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, प्लांट मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, एनिमल मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, लेकिन विटेकर साहब ने फंजाई को बोला है मल्टी सेलुलर, प्लांट को बोला है मल्टी सेलुलर, एनिमल को बोला है मल्टी सेलुलर। तो अब बड़ी समस्या है कि अगर फंजाई प्लांट और एनिमल यूनिसेलुलर हैं, सॉरी मल्टी सेलुलर हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर है, प्लांट मल्टी सेलुलर है, एनिमल मल्टी सेलुलर है, तो इनके यूनिसेलुलर लोग जाए कहां? तो मैं कहूंगा ये यूनिसेलुलर है तो या तो ये मोनेरा में जाएगा या तो ये प्रोटिस्टा में जाएगा, क्योंकि विटेकर साहब ने दो ही किंगडम बनाए थे जो कि यूनिसेलुलर थे, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब फंजाई अगर यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर फंजाई फंजाई किंगडम के अंदर नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि फंजाई किंगडम खुद में कैसा है? मल्टी सेलुलर। इसलिए फंजाई किंगडम से यूनिसेलुलर फंजाई कहां उठाया जाएगा? या तो मोनेरा में या तो प्रोटिस्टा में। लेकिन दुविधा यह है कि मोनेरा तो सर प्रोकैरियोटिक है और ये तीनों यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर चीजें जो यहां से उठाई जाएंगी वो प्रोकैरियोटिक लोगों के साथ तो जोड़ी नहीं जा सकती, यूकैरियोटिक लोगों के साथ ही जोड़ी जा सकती हैं। इसलिए यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर एनिमल को मोनेरा की बजाय कहां भेजा गया? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा इज नथिंग, दे कैन बी प्लांट लाइक, प्रोटिस्टा प्लांट लाइक हो सकते हैं, they can be plant like, they can be animal like and they can be fungi like। ये plant like हो सकते हैं, animal like हो सकते हैं और fungi like हो सकते हैं। फिर से सुनिए, protista या तो plant like हो सकते हैं या तो animal like हो सकते हैं, तो fungi like हो सकते हैं। मैं बच्चों से बोलता हूं जब ये plant like है तो plant kingdom में जाए, अगर ये एनिमल लाइक है तो एनिमल किंगडम में जाए, और अगर ये फंजाई लाइक है तो फंजाई किंगडम में जाए। सर जी वहां क्यों नहीं है? तो बोला गया वहां केवल और केवल मल्टी सेलुलर लोग रह सकते हैं, और अगर मल्टी सेलुलर नहीं है तो आपको भगा दिया जाएगा, तो आप भाग के कहां पर पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे? प्रोटिस्टा। एंड दैट्स व्हाई प्रोटिस्टा इज प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। बस अंतर इतना है कि दिस प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक, दे आर यूनिसेलुलर, ये याद रखना पड़ेगा। समझ गए? तो प्रोटिस्टा इज नथिंग बट इट इज लाइक रेफ्यूजी कैंप। रेफ्यूजी कैंप मैं क्यों बोलता हूं, मैं क्यों बताता हूं कि ये रेफ्यूजी कैंप जैसा, शरणार्थी कैंपों जैसा क्यों है? जो अपने घरों से भगाए गए उनको जगह प्रोटिस्टा ने दी। फंजाई से भगाया गया कोई यूनिसेलुलर फंजाई कहां पर आया? प्रोटिस्टा। प्लांट से भगाया गया कोई यूनिसेलुलर प्लांट कहां आया? प्रोटिस्टा में। और एनिमल से भगाया गया कोई यूनिसेलुलर एनिमल कहां आया? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा की अपनी कोई बाउंड्री नहीं है, प्रोटिस्टा में हर तरीके का बंदा आ सकता है, बस उसको होना कैसा चाहिए? यूनिसेलुलर, और कैसा होना चाहिए? यूकैरियोटिक। अगर आप एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक हैं, तो चाहे आप प्लांट जैसे हैं, चाहे आप एनिमल जैसे हैं, चाहे आप फंजाई जैसे, आपको कौन जगह दे देगा? प्रोटिस्टा। इसीलिए बोलते हैं द बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा आर नॉट वेरी क्लियर। इनमें बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है, और अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब प्रोटिस्टा में प्लांट जैसे लोग भी आ सकते हैं, एनिमल जैसे लोग भी आ सकते हैं, फंजाई जैसे लोग भी आते हैं। जो लोग भी हमको लेट में ज्वाइन कर रहे हैं वो क्लास में बहुत पर्टिकुलर टाइम पे आया करें, वरना लेक्चर छूटेगा, शुरुआती पोर्शन छूटेगा और फिर आप लेक्चर पकड़ नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी फॉल्ट देखिए कि 8:30 बजे की क्लास का मतलब 8:30 बजे होता है। कई लोग बाद में ज्वाइन करते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं, क्या हो रहा। ये आपके टॉपिक है ना, लेट मत ज्वाइन करा करिए।
8 का मतलब 8:30 बजे सब लोग आ जाइए, क्योंकि टॉपिक बार बार रिवाइज करने में जो बेचारे बच्चे पहले से बैठे हैं उनके लिए मुश्किल होती है, वो तो कहते हैं बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं, और नए आते हैं अगर उनको ना समझाया जाए तो वो गए फिर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। खैर मैं अपना टॉपिक यहां पर जाकर के मॉडिफाई करता हूं। तुम्हें बताया मैंने 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। मैंने बोला यूनिसेलुलर कौन कौन, मोनेरा और प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर कौन कौन, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। फंजाई भी मल्टीसेलुलर, प्लांट भी मल्टीसेलुलर, एनिमल भी मल्टीसेलुलर, कौन, किंगडम। लेकिन किंगडम अगर मल्टीसेलुलर है तो क्या फंजाई यूनिसेलुलर नहीं होते होंगे, होते होंगे। तो यूनिसेलुलर फंजाई जैसे लोग कहां भगाए गए, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर प्लांट जैसे लोग कहां भगाए गए, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर एनिमल जैसे लोग कहां भगाए गए, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एक शरणार्थी कैंप जैसा हुआ, रिफ्यूजी कैंप जैसा हुआ, जिसमें प्लांट भी है, एनिमल भी है, फंजाई भी है। मेरा अगला ही क्वेश्चन है, अगर प्लांट है तो प्लांट किंगडम में क्यों नहीं गए, एनिमल है तो एनिमल किंगडम में क्यों नहीं गए, फंजाई है तो फंजाई किंगडम में क्यों नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो सारे किंगडम मल्टीसेलुलर हैं, और यहां पर प्लांट, एनिमल, फंजाई जो आए वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर। तो यहां रहने के लिए पहली पहली आपको बात रखनी है कि आप यूनिसेलुलर, दूसरी बात रखते हैं आपको यूकैरियोटिक। समझ गए? अगर आप इतना समझ गए तो इनके एग्जाम्पल में 5 क्लासेस का नाम है, यानी प्रोटिस्टा में 5 क्लासेस का नाम लिया जाता है। यस, पहली क्लास का नाम लिया जाता है क्राइसोफाइटा। आप ध्यान से देखते जाइए, क्राइसोफाइटा। प्रोटिस्टा के अंदर 5 तरीके के लोग आते हैं। दूसरे तरीके की नाम लिया जाता है डाइनोफ्लैजलेट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स। तीसरे तरीके के लोगों का नाम लिया जाता है यूग्लिनॉइड। चौथी तरीके के लोगों का नाम लिया जाता है स्लाइम मोल्ड्स। और पांचवी तरीके के लोगों का नाम लिया जाता है प्रोटोजोआ। तो आप दो देख लें कि आपकी प्रोटिस्टा में 5 क्लासेस हैं। नंबर 1 इज नोन एज क्राइसोफाइटा, नंबर 2 इज नोन एज डाइनोफ्लैजलेट्स, नंबर 3 इज नोन एज यूग्लिनॉइड, नंबर 4 इज नोन एज स्लाइम मोल्ड, नंबर 5 इज नोन एज प्रोटोजोआ। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि प्रोटिस्टा या तो प्लांट जैसा है, या तो एनिमल जैसा है, या तो फंजाई जैसा है। यानी ये पांचों में से कुछ लोग प्लांट जैसे, कुछ लोग एनिमल जैसे, कुछ लोग फंजाई जैसे। देखिए फाइटा का मतलब ही होता है प्लांट, तो क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैजलेट ये दोनों प्लांट लाइक है, ट्रू प्लांट लाइक। ये प्लांट की तरह बेटा, प्लांट लाइक है क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैजलेट, दे आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अब मैं बता दूं, प्रोटोजोआ, जोआ का मतलब होता है एनिमल, जोआ का मतलब एनिमल, इट इज एनिमल लाइक, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, बहुत आसान है। नाउ द स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड्स का मतलब ही होता है फंजाई, इट इज फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, इट इज फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हो गया क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजलेट, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हो गया प्रोटोजोआ, और स्लाइम मोल्ड हो गया फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। अब आपको लगेगा ये यूग्लिनॉइड क्या है, यूग्लिनॉइड इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यानी यूग्लिनॉइड में यूग्लिना नाम का ऑर्गेनिज्म आता है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के लक्षण होते हैं, वो प्लांट जैसा भी है और एनिमल जैसा भी है। मैं आपको बता दूं, दे आर प्लांट लाइक एज वेल एज एनिमल लाइक। सो आपके सामने प्रोटिस्टा में कौन कौन से लोग आए, याद करो, नंबर 1 इज नोन एज क्राइसोफाइटा, नंबर 2 इज नोन एज डाइनोफ्लैजलेट, नंबर 3 इज नोन एज यूग्लिनॉइड, नंबर 4 इज नोन एज स्लाइम मोल्ड, नंबर 5 इज नोन एज प्रोटोजोआ। और मैंने पहले ही बोला था प्रोटिस्टा के मेंबर या तो प्लांट लाइक होंगे, या तो एनिमल लाइक होंगे, या तो फंजाई लाइक होंगे। प्लांट लाइक 2 लोग हैं, क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजलेट, एनिमल लाइक 1 है प्रोटोजोआ, फंजाई लाइक 1 है स्लाइम मोल्ड दैट इज फंजाई लाइक, और फिर एक अकेला ग्रुप ऐसा आता है यूग्लिनॉइड दैट इज वेरी स्पेशल, जो कनेक्टिंग लिंक है जिसमें प्लांट के भी कुछ लक्षण हैं और जिसमें एनिमल के भी कुछ लक्षण हैं, इट इज नोन एज यूग्लिनॉइड्स। तो ये है प्रोटिस्टा का आपके सामने खाका कि प्रोटिस्टा में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो क्यों ना प्रोटिस्टा के एक एक मेंबर को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए
अब बोर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अंदर अपने अंदर आराम से व्याप्त करते हैं, ध्यान से लेते हैं। मोनेरा, दे आर यूनिसेलर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब जिनका न्यूक्लियस ट्रू नहीं है ना। प्रोटिस्टा, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। और फिर बोला गया इनकी बाउंड्री बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं है। क्यों बाउंड्री क्लियर कट नहीं है? क्योंकि इनके कुछ मेंबर प्लांट लाइक, कुछ मेंबर एनिमल लाइक, कुछ मेंबर फंजाई लाइक। और बोला गया कि प्रोटिस्टा इज नथिंग बट इट इज अ रिफ्यूजी कैंप, जो जहां से भगाया गया वो प्रोटिस्टा में आ गया, इसलिए प्रोटिस्टा में प्लांट जैसे लोग भी, एनिमल जैसे लोग भी, फंजाई जैसे लोग भी। बस ये होना चाहिए कि वो यूनिसेलर हो और यूकैरियोटिक हो। फिर बोले गए पांच क्लासेस, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूक्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, जिसमें क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजेलेट प्लांट लाइक है, यूक्लिनाइड प्लांट और एनिमल दोनों लाइक है, स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक है, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक है। और एक एक करके हमें सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा याद रहेगा, फाइटा शब्द ही जुड़ा हुआ है प्लांट से रिलेटेड। क्राइसोफाइटा के अंदर हम लोग बोल सकते हैं दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में जो जो डिटेल मुझे आती है मैं बता दूंगा। एक कोशिकी ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि प्रोटिस्टा की बेटा खासियत है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर हो गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट ऑल आर एक्वेटिक, सबके सब एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक का मतलब है ये पानी में रहने वाले लोग हैं। पानी में दो तरीके का पानी हो सकता है, वन इज नोन एज फ्रेश वाटर और दूसरा बेटा समुद्री पानी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैरीन वाटर। ये समुद्री पानी में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर नदियों के पानी में भी रह सकते हैं। याद रखना इनके ज्यादातर मेंबर माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक क्यों? क्योंकि बेटा यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकी हैं और कोशिका कभी भी नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ती। और अगर कोशिका नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ती तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, तो माइक्रोस्कोपिक है। याद रखना, मान लीजिए ये नदी में रह रहे या तालाब में रह रहे, ये मान लो नदी तालाब है, तो इस नदी और तालाब में ये पैसिव फ्लोटर है। पैसिव फ्लोटर, देखो एक्टिव स्विमर और पैसिव फ्लोटर दोनों में अंतर होता है। जैसे आप अपना हाथ पैर चला करके बेटा आगे बढ़ते रहे पानी में तो आपको बोला जाएगा स्विमर है, तैराक है। और आप अगर केवल पानी में उतराते रहे तो आपको बोला जाएगा फ्लोटर है, फ्लोट कर रहे हैं। तो ये लोग तैरते नहीं है, फ्लोट करते रहते हैं। और जितने भी फ्लोटर्स होते हैं, फ्लोट करने वाले लोग होते हैं, उनको हम प्लैंकटॉन बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। तो एक्चुअली ये प्लैंकटॉन्स है, प्लैंकटॉन्स का मतलब है फ्लोटर्स। क्योंकि बेटा ये प्लैंकटॉन्स प्लांट ओरिजिन के हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फाइटोप्लैंकटॉन्स। देखिए फाइटोप्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंकटॉन का मतलब दे आर द पैसिव फ्लोटर एंड प्लांट लाइक, ये प्लांट की तरह से हैं और बेटा पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि पानी में एक्टिव स्विमर नहीं है, पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। तो हम एक शब्द और लिख सकते हैं कि क्राइसोफाइटा आर, दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। और इनकी केवल कमी ये है कि इनको प्लांट किंगडम से भगा दिया गया, क्योंकि प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर लोग नहीं रह सकते, मल्टीसेलुलर लोग रह सकते हैं। तो इनकी खाली कमी ये थी कि ये यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे। तो याद रखना ये फाइटोप्लैंकटॉन की संज्ञा में आते हैं। फाइटोप्लैंकटॉन वो लोग होते हैं जो पानी में पैसिव फ्लोट करते रहते हैं। और अगर पानी में पैसिव फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब इन्हें तैरना नहीं आता, इनमें फ्लैजला नहीं होता, इनमें कोई सीलिया नहीं होता। अगर फ्लैजला और सीलिया होता तो याद रखना वो एक्टिव स्विमर होते, और ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि क्राइसोफाइटा के मेंबर में दो टू मेंबर्स दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंस। टू मेंबर्स में से एक का नाम है डायटम्स। इनके ग्रुप में डायटम्स नाम का एक बंदा आता है और एक होता है डेस्मिट्स। डायटम्स एंड डेस्मिट्स, एंड डेस्मिट आर नोन एज गोल्डन एल्गी। पुरानी किताबों में
यूं तक लिखा है बेटा कि ये डायटम्स और डेस्मिट जो हैं ये गोल्डन एल्गी सोने की तरह चमकने वाले लोग हैं, डायटम्स चांदी की तरह चमकने वाले लोग हैं। तो कई बार इन्हें हम लोग बोलते हैं ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ज्वेल्स ऑफ प्रोटिस्टा। अभी अब हम लोग प्रोटिस्टा बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लांट किंगडम के मेंबर नहीं है, तो ज्वेल्स ऑफ प्रोटिस्टा बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये चमकते रहते हैं, क्राइसोफाइटा जैसे मेंबर हैं तो ये चमकने वाले मेंबर हैं। तो डायटम्स और डेस्मिट के बारे में जो आगे की बातें हैं वो मुझे बोर्ड साफ करने के बाद बतानी पड़ेंगी। सो आपको सबसे पहले बोर्ड में जो लिखा है वो आत्मसात करना पड़ेगा। चलिए, प्रोटिस्टा का पहला मेंबर दैट इज नोन एज क्राइसोफाइटा, क्राइसो मतलब चमकीले, फाइटा मतलब प्लांट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली एक्वाटिक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे पानी में रहने वाले हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन में रह सकते हैं, जहां पर रहेंगे फ्लोट करेंगे, स्विम नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें प्लैंकटॉन्स बोलेंगे, चूंकि प्लांट ओरिजिन के हैं इसलिए फाइटोप्लैंकटॉन्स बोलेंगे, और ये माइक्रोस्कोपिक हैं यानी माइक्रोस्कोप से देखने लायक हैं। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं, इनके दो मेंबर हैं, एक का नाम है डायटम्स, दूसरे का नाम है डेस्मिट्स, और डायटम और डेस्मिट्स में से दोनों के दोनों में सुनहरा या चांदी जैसा रंग है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ज्वेल्स ऑफ प्रोटिस्टा। सबसे पहले हम लोग डायटम्स के बारे में बात करें। बायोलॉजी इतना बढ़िया साइंस है कि यहां पर किसी का क्या नाम है उसमें उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। तो जैसे मैं पूछूं डायटम्स का नाम डायटम क्यों रखा गया, क्यों? क्योंकि डायटम की जो सेल वॉल होती है, द सेल वॉल, सेल वॉल है टू प्लेट्स, इनके पास दो प्लेट्स पाई जाती है। मैंने कतई नहीं कहा कि ये बाई सेलुलर है, पर पहले से बोल दे रहा हूं कि डायटम्स आर यूनिसेलुलर, डायटम यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल में दो प्लेट्स होती हैं, एंड दीज टू प्लेट्स आर लाइक सोप केस, जैसे साबुनदानी होती है ठीक उस तरीके से ये दोनों की दोनों प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट जैसे ये रही और दूसरी प्लेट इसको ढकने के लिए ये रही। आप इसे गौर से देख लीजिए कि इनकी जो सेल वॉल है इसमें दो प्लेट्स होती हैं लाइक दिस। सोप केस की तरह होने वाली सेल है, सेल वॉल है, और इस सेल वॉल में डिपॉजिट होती है सिलिका। आपको बताता चलूं, सिलिका बालू में पाए जाने वाले कुछ कण हैं। आपने बालू में चमकते हुए कुछ कण देखे होंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिलिका, और सिलिका होने की वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इट हैव द सेल वॉल विच हैव टू प्लेट्स एंड डिपोजिशन ऑफ सिलिका। इनकी सेल वॉल में डिपोजिशन ऑफ सिलिका है, सेल वॉल में डिपोजिशन ऑफ सिलिका है, जिसकी वजह से सेल वॉल बिकम हार्ड। ये सेल वॉल हार्ड हो गई है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल हो गई है। इनडिस्ट्रक्टिबल क्यों? क्योंकि बेटा बालू अगर कहीं पर अटैच हो जाए, मिट्टी अटैच हो जाए और वो सॉलिडिफाई हो जाए, सीमेंट जैसी हो जाए, तो इतना सीमेंट जैसी हो गई कि बेटा ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती। तो है एक कोशिकी लोग, लेकिन इनकी सेल वॉल में दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट सोप केस जैसी हैं, और उन दोनों सोप केस की जैसी प्लेट में डिपॉजिट है क्या बेटा? सिलिका। और सिलिका डिपॉजिट होने की वजह से इनकी सेल वॉल कैसी है? हार्ड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे तोड़ा ना जा सके। अंदर पहुंचोगे तो इनका वेल फॉर्म न्यूक्लियस है, वेल फॉर्म न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस है, और अंदर जाएंगे इसके अंदर तो इसमें बेटा सेल ऑर्गेनेल है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, याद रखना दे हैव क्लोरोप्लास्ट, और इन क्लोरोप्लास्ट में बेटा क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल भी है, और ये क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए तो हर जगह पर है, कई बार लोग यहां बोलते हैं क्लोरोफिल सी भी है। खैर, आपसी वाला अभी मत लिखें, आपकी बुक में कुछ लिखा नहीं, इनके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल होने की वजह से दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेते हैं, और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं देन दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं।
याद रखना, इसीलिए डायटम्स को हम लोग मुख्य प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो लोग जो फोटोसिंथेसिस कर लें, प्रोड्यूसर का मतलब वो लोग जो लोग फोटोसिंथेसिस कर लें, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, कहां के चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। ओशियंस में ये मुख्य प्रोड्यूसर है, इनसे बड़ा प्रोड्यूसर कोई नहीं है, फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई नहीं, याद रहेगा। तो जनरली डायटम ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि क्लोरोफिल है, लेकिन उनमें सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से उनमें चमक पैदा होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम और ज्वेल्स ऑफ द प्रोटिस्टा। कहते हैं ये इनकी सेल वॉल इतनी हार्ड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है, इतनी हार्ड और इनडिस्ट्रक्टिबल है कि बेटा ये खरबों सालों से, बार बार खरबों सालों से इनकी कॉलोनीज बेटा मर रही है, यानी कि ये सेल मरती जाती हैं, मरते जाते हैं और डिपॉजिट होते जाते हैं। तो बोलते हैं कि समुद्री किनारों में, ओशियन के बैंक्स में, सी बैंक्स में यानी समुद्री किनारों में ये डेड डायटम्स कलेक्ट हो रहे, और डेड डायटम्स कलेक्शन की वजह से हो क्या रहा है कि बेटा ये जो डायटम है ये भले मर जा रहे हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल नहीं मर रही है क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, और इस डायटम की वजह से यहां पर एक ग्रिटी सरफेस बन रही, एक बेटा मिट्टी की सरफेस बन रही है, एंड दैट इज नोन एज डायटोमेसियस अर्थ। इसी को हम लोग डायटोमेसियस अर्थ के नाम से बोल जानते हैं, डायटोमेसियस अर्थ। अगर आप इसे नहीं भूलेंगे तो अच्छा लगेगा। इट इज नोन एज डायटोमेसियस अर्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज कीजलगुर। अगर आप ये शब्द याद रखेंगे तो एनसीईआरटी में ये शब्द नहीं है। डायटोमेसिस अर्थ क्या है, डायटम मर जा रहा है, डायटम का अंदर का सारा मटेरियल मर जा रहा है, लेकिन इसकी सेल वॉल बेटा, सेल वॉल बची हुई है, हार्ड है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, और ये डिपॉजिट होकर के एक अर्थ का निर्माण कर रही है, चट्टान का निर्माण कर रही है, और उस चट्टान को हम लोग नाम दे रहे हैं डायटोमेसियस अर्थ। और इस डायटोमेसियस अर्थ और कीसिलगुर का हम लोग बहुत सारा प्रयोग कर रहे हैं। जैसे डायटोमेसियस अर्थ का पहला प्रयोग है पॉलिशिंग, इससे हम लोग पॉलिशिंग कर ले सकते हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ऑयल और सिरप्स का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि बेटा डायटोमेसियस अर्थ में क्या क्या फायदा हो सकता है, दे विल यूज इन द पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। क्या आपको इतनी बात याद रहेगी? अगर इतनी बात याद रहेगी तो क्राइसोफाइटा को हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं और यहां से हटाते हैं। क्राइसोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट, दो तरीके के लोग, डायटम एंड डेसमेट्स। यूनिसेलुलर हैं, इनमें से डायटम जिनकी सेल वॉल है दो प्लेट वाली, एक ऊपर की प्लेट और एक नीचे की प्लेट। इन्हीं में एक ऊपर वाली प्लेट को हम लोग नाम देते हैं एपीथीका। देखिए मैं ये शब्द एनसीईआरटी में ना होने की वजह से नहीं बता रहा था, एपीथीका, और नीचे वाली को बोलते हैं हाइपोथीका। फिलहाल आप लोग जितना आपको समझ में आ जाए उतना देख लो। तो एक सेल है लेकिन दो, एक ही सेल वाल है लेकिन दो सेल प्लेट्स हैं। एपीथीका और हाइपोथीका में बेटा सिलिका का डिपोजिशन है, और सिलिका के डिपोजिशन की वजह से इनकी सेल वाल हार्ड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, इसलिए हम इन्हें चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं, मुख्य प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये मर भी जाएंगे और बिलियंस ऑफ ईयर, एनसीईआरटी बोलती बिलियंस ईयर से, यानी अरबों खरबों सालों से बेटा इनकी जो कॉलोनीज है मरने के बाद डिपॉजिट हो रही है, और डिपॉजिट होने की वजह से समुद्री किनारों में बेटा एक चट्टान जैसा निर्माण हो रहा है, इसका नाम है डायटोमेसियस अर्थ, और इसे हम लोग कीसिलगुर भी बोलते हैं, जिसका काम पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन है, पॉलिशिंग के काम आ रही है और फिल्ट्रेशन के काम आ रही है। इसमें से दूसरे हैं डेसमिट्स, याद रखना इन्हें कई बार हम लोग गोल्डन एल्गी के नाम देते हैं, इनका नाम देते हैं गोल्डन एल्गी, या फिर कई बार इन्हें गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम भी से भी जाना जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो याद रखना
गोल्डन एल्गी होगी, गोल्डन ब्राउन एल्गी हो, डेस्मिट्स भी क्राइसोफाइटा के ही मेंबर हैं। और याद रखना इनके पास भी बेटा क्लोरोफिल पाई जाती है, दे ऑल्सो हैव द क्लोरोफिल। इनके पास भी बेटा एसेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं, और उन एसेसरी पिगमेंट की वजह से इनका गोल्डन कलर और ब्राउन कलर आता है। कई बार लोग बोलते हैं वो एसेसरी पिगमेंट जैंथोफिल है। अब ज्यादा कुछ इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो हम लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे भी नहीं। ये भी बेटा चीफ प्रोड्यूसर है अलॉन्ग विथ डायटम्स। डायटम के साथ ये लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। बस अंतर ये है कि डायटम की जो वॉल है, उस डायटम की वॉल में बेटा सिलिका डिपॉजिट होता है। इनमें ऐसा कोई सिलिका जैसा डिपॉजिशन नहीं है, लेकिन ये भी माइक्रोस्कोपिक है, ये भी बिल्कुल डायटम जैसे। इनमें भी डबल प्लेट नहीं होती, वहां डबल प्लेट होती, ये भी मेन फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर आप से पूछा जाए क्राइसोफाइटा में कौन दो लोग, तो आप बताएंगे क्राइसोफाइटा में दो डी हैं, एक का नाम है डायटम्स, दूसरे का नाम है डेस्मिट्स। तो अगर मैं एक कॉर्नर में यहां पर प्रोटिस्टा के मेंबर लिखता जाऊं, तो पहला मेंबर हमारे सामने आएगा क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा के दो मेंबर आ जाएंगे, वन इज नोन एज डायटम्स और दूसरे मेंबर आ जाएंगे डेस्मिट्स। और अगर आप इतना भी सीख पाएंगे कि आज हमने क्राइसोफाइटा के दोनों मेंबर को डिटेल में पढ़ लिया, तो हमारा काम बन जाना है कि भाई हम लोगों ने आसानी से पढ़ लिया कि क्राइसोफाइटा में कौन कौन से लोग हैं। नाउ द सेकेंड ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा इज, इट इज नोन एज डाइनोफ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स, अब देखना डाइनोफ्लैजलेट क्राइसोफाइटा से अलग कैसे हैं। पहले जो सिमिलरिटीज है मैं वो लिखता हूं। डाइनोफ्लैजलेट भी यूनिसेलुलर है, पहला पॉइंट, ये भी यूनिसेलुलर है बिल्कुल वैसे जैसे क्राइसोफाइटा थे। क्राइसोफाइटा भी यूनिसेलुलर थे, डाइनोफ्लैजलेट भी यूनिसेलुलर। डाइनोफ्लैजलेट भी यूकैरियोटिक है, क्राइसोफाइटा के मेंबर भी यूकैरियोटिक थे, डाइनोफ्लैजलेट भी यूकैरियोटिक। आई एम सॉरी, वीडियो काफी गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में। ओके, आई एम वेरी मच सॉरी। तो भाई डाइनोफ्लैजलेट भी क्राइसोफाइटा जैसे यूनिसेलुलर है, डाइनोफ्लैजलेट भी क्राइसोफाइटा जैसे यूकैरियोटिक है। बट याद रखना डाइनोफ्लैजलेट भी क्राइसोफाइटा की तरह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली मैरीन है। वहां पर मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों, तो यहां पर मोस्टली मैरीन है। ऑलमोस्ट सारे के सारे मेंबर कैसे हैं, मैरीन है। तो देखो सिमिलरिटीज देखो, क्राइसोफाइटा यूनिसेलुलर, डाइनोफ्लैजलेट यूनिसेलुलर। याद रखना क्राइसोफाइटा यूकैरियोट, डाइनोफ्लैजलेट यूकैरियोट, क्राइसोफाइटा एक्वेटिक, डाइनोफ्लैजलेट एक्वेटिक, वहां पर भी मैरीन, यहां पर भी मैरीन। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बेटा डाइनोफ्लैजलेट हैं, दे आर एक्टिव स्विमर्स एंड एक्टिव स्विमर्स होने का कारण है दे हैव फ्लैजला फॉर लोकोमोशन। इनके पास फ्लैजला है लोकोमोशन करने के लिए, मूव करने के लिए, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इनके पास फ्लैजला प्रेजेंट है, दे आर नोन एज डाइनोफ्लैजलेट। अच्छा, फ्लैजला प्रेजेंट होता ही लगता है कि ये यार एनिमल जैसे लोग होंगे। नो, डाइनोफ्लैजलेट आर ऑल्सो और ऑल्सो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये भी बेटा प्लांट की तरह रहने वाले प्रोटिस्टा है। बोलते हैं जैसे एल्गी डिफरेंट कलर की होती हैं, आपकी बुक में देखिएगा, ये भी डिफरेंट कलर के होते हैं, दे आर विद डिफरेंट कलर, यानी अलग अलग कलर के मेंबर पाए जाते हैं, है डिफरेंट कलर। याद रखना इनकी बॉडी में क्या क्या कलर हो सकते हैं, दे मे बी ग्रीन, दे मे बी ब्लू, दे मे बी येलो, दे मे बी ऑरेंज, दे मे बी रेड एटसेट्रा। डिफरेंट कलर के मिलते हैं, डिफरेंट कलर के।
और डिफरेंट कलर होने का कारण क्या है बेटा? पहली बात तो यह है कि डायनोफ्लेजलेट ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल की वजह से तो ग्रीन कलर आना चाहिए। फिर इनके पास डिफरेंट कलर कैसे हैं? दे हैव एसेसरी पिगमेंट, इनकी बॉडी में एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं और वो एसेसरी पिगमेंट्स इन्हें डिफरेंट कलर का बनाते हैं। तो डायनोफ्लेजलेट्स के जो मेंबर हैं ये भी यूनिसेलुलर हैं, ये भी यूकैरियोटिक हैं, ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले हैं, मोस्टली मरीन है, लेकिन ये क्राइसोफाइटा से डिफरेंट है क्योंकि क्राइसोफाइटा वॉज अ पैसिव फ्लोटर, ये एक्टिव स्विमर है। एक्टिव स्विमर होने का कारण इनके पास है फ्लैजला। याद रखना ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है जो डिफरेंट कलर के पाए जा सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, दे मे बी ऑरेंज रेड एटसेट्रा। अलग अलग कलर होने का कारण है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है और एसेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं। अच्छा एक और बात, जब आप इनकी बॉडी देखेंगे तो इनकी बॉडी यूनिसेलुलर ही है, लेकिन बेटा उस यूनिसेलुलर बॉडी में याद रखना दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक हॉरिजेंटल ग्रुप और एक वर्टिकल ग्रुप। दे हैव द टू ग्रुप्स, हॉरिजेंटल ग्रुप्स एंड वर्टिकल ग्रुप्स, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स एंड वर्टिकल ग्रुप्स। और इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप और वर्टिकल ग्रुप्स में पाए जाते हैं फ्लैजला, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला और दूसरे हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स फ्लैजला, हॉरिजेंटल फ्लैजला। तो दो तरीके के फ्लैजला पाए जाते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला पाए जाते हैं और हॉरिजेंटल फ्लैजला पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में पाए जाते हैं ग्रुप्स, नालियों जैसा है बेटा इनकी बॉडी में आकार पाया जाता है, दो नालियां होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। और इन नालियों में बेटा दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजला। दैट्स वाई दे आर नोन एज डाइनो फ्लैजलेट्स। इनके पास दो तरीके के फ्लैजला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजला। याद रहेगा? अगर इतना याद रहेगा तो मैं आगे की किस चीजें पढ़ाने के लिए जगह ढूंढूं और आगे लिखूंगा। तो डायनोफ्लैजलेट भी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, एक्वेटिक है, मोस्टली मैरीन है, फ्लैजला है लोकोमोशन के लिए। कुछ बातें और बतानी है आपको, चूंकि ये एक्वेटिक है और मोस्टली मैरीन है तो मैरीन होने की वजह से मैं बोल सकता हूं दे लिव इन ओशियन, ये समुद्रों में रहते हैं, ओशियंस में रहते हैं, और ओशियंस में जब रहते हैं तो ये बड़ा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ओशियन में रह करके दे मल्टीप्लाई फास्ट, तो ये जो डाइनोफ्लैजलेट्स हैं दे फास्ट मल्टीप्लाई। और इनके फास्ट मल्टीप्लीकेशन की वजह से यहां लार्ज कॉलोनी बनती है, और लार्ज कॉलोनी बनने की वजह से पूरी समुद्री सतह उसी कलर की दिखाई पड़ती है जिस कलर के ये है। यानी कि अगर ये रेड कलर के हैं तो जब भी टाइड बनेगी तो इनमें रेड टाइड जैसा, लाल धाराओं जैसा स्ट्रक्चर या लार बेटा टाइड की तरह दिखाई पड़ेंगे। याद रखना जहां पर भी रहते हैं दे रिलीज द टॉक्सिन्स, जहां पर भी रहते हैं वहां पर टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। कौन टॉक्सिन रिलीज करता है? डायनोफ्लैजलेट्स के मेंबर। और अगर टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो ये टॉक्सिन पानी में घुस जाते हैं, और पानी में अगर जाएंगे तो पानी के नीचे बेटा एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो जहां पर भी ये रहेंगे वहां पर टॉक्सिन्स इन एक्वेटिक एनिमल की मास डेथ करेंगे, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, मास डेथ करते हैं। तो याद रखना समुद्र की सरफेस पर ये फास्ट मल्टीप्लीकेशन करके बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, और इस बड़ी कॉलोनी बनाने के बाद ये वहां पर टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से वहां पर समुद्री जानवरों का, मछलियों का मास डेथ होता है। इनमें से एक मेंबर है जिसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, एंड दिस इज नोन एज गैनोलॉक्स।
गायनोलॉक्स एक डायनोफ्लाजलेट है जिसको हम लोग रेड टाइड के नाम से जानते हैं, रेड टाइड के नाम से जानते हैं क्योंकि ये रेड कलर का है, और रेड कलर का होने के बाद ये बेटा फास्ट मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वहां पर खूब सारा टॉक्सिन रिलीज करता है, और खूब सारा टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से बेटा बहुत सारे एनिमल की डेथ होती है। जैसे मैं तुम्हारी जगह होता और डायनोफ्लैजेलेट जब भी मुझे बोला जाता तो मैं कैसे इसे याद करता, कैसे लंबे समय तक याद रखना है, हमेशा नाम से किसी भी ऑर्गेनिज्म को याद करने की कोशिश किया करो। जैसे इसका नाम है डायनोफ्लैजेलेट्स, तो मुझे याद रहेगा कि फ्लैजेला से कोई ना कोई लेना देना होगा, तभी तो इनका नाम है डायनोफ्लैजेलेट्स, और मुझे मालूम है इनमें एक फ्लैजेला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है ट्रांसवर्स, दो ग्रूव है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, और जिसके पास फ्लैजेला है वो पैसिव तो फ्लोट करेगा नहीं, वो एक्टिव स्विम करेगा, तो ये एक्टिव स्विमर लोग हैं। कई कलर के पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं, जैसे डिफरेंट एल्गी है वैसे ये डिफरेंट कलर के लोग हैं, और डिफरेंट कलर के लोग हैं तो याद रखना इनमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। बस इनकी खराबी क्या है, ये जहां ग्रो करते हैं एकदम बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, और बड़ी कॉलोनी बनाने के साथ खूब सारा टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और खूब सारा टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से वहां पर पाए जाने वाले एनिमल्स की मास डेथ होती है। इनमें से एक का नाम है बेटा गायनोलॉक्स और द रेड टाइड, और ये वो रेड टाइड है जिसकी कॉलोनी रेड कलर की है, और रेड कलर की होने की वजह से हम लोग इसे रेड टाइड के नाम से जानते हैं। सो दिस वाज द डायनोफ्लैजेलेट्स, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर पहला मेंबर कौन था, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में हम लोगों ने दो लग देखे थे, डेस्मिड्स एंड डायटम्स। तो हमने प्रोटिस्टा के अंदर दो लोगों को पढ़ लिया, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग देखते जाएं, कॉर्नर पे लिखते जाता हूं, क्राइसोफाइटा। कई बार जब मैं इस कॉर्नर पे लिखता हूं आपका वीडियो ब्लर होता है, इसलिए मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है। ओके, आई एम सॉरी, ओके ओके, हाँ। So, मैंने पढ़ाया आपको क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा के दो मेंबर हैं, एक का नाम रखा गया डायटम्स जो मैंने पढ़ा दिया आपको, जिनके पास सेल वॉल में दो प्लेट्स हैं, दूसरे हैं डेस्मिड्स, ये मैं पढ़ा चुका एक, और दूसरा मैंने अभी आपको पढ़ाया डायनोफ्लैजेलेट्स। और मैं बताता चलूं कि चाहे डायटम्स ले लो चाहे डायनोफ्लैजेलेट्स ले लो, ये दोनों प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं, दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। अच्छा, अब तीसरा ग्रुप आता है क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजेलेट के बाद, तीसरा ग्रुप जो आता है और जो हमें पढ़ना चाहिए, इट इज यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड्स, इसका एक्टिव मेंबर यूग्लिना है। यूग्लिना बचपन से कई बार हमने इसका नाम पढ़ा है यूग्लिना, और मैं पढ़ाने के पहले बता दूं कि यूग्लिनोइड और यूग्लिना इसमें दोनों तरीके के लक्षण होते हैं, दोनों तरीके के बेटा करेक्टर होते हैं, दे हैव करेक्टर ऑफ बोथ करेक्टर, दे आर सम करेक्टर प्लांट्स लाइक। इनके पास सम करेक्टर है प्लांट लाइक, दे ऑल्सो हैव सम करेक्टर एनिमल लाइक। तो इनके कुछ करेक्टर प्लांट जैसे हैं, कुछ करेक्टर एनिमल जैसे हैं, और इसी वजह से यूग्लिनोइड के मेंबर को, यूग्लिनोइड के मेंबर को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल, तो यानी इनके कुछ करेक्टर प्लांट जैसे और कुछ करेक्टर इनके एनिमल्स जैसे हैं। याद रखना यूग्लिनोइड भी बेटा यूनिसेलुलर है। कुछ बातें जो पूरी प्रोटिस्टा पे लगती हैं वो हमें लिखते जाना चाहिए और हमें पहले से आना चाहिए। ये भी यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है,
एक और बात इनमें खास है कि ये लोग भी एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाले लोग हैं। यूग्लिनॉइड दे आर ऑल्सो एक्वेटिक, पानी में रहने वाले लोग हैं। और एक्वेटिक दो प्रकार के होते हैं, या तो ये फ्रेश वाटर वाले लोग हैं और या तो ये लोग मैरीन लोग हैं। तो खास करके यहां तक मैं इनकी मॉर्फोलॉजी आपकी नेक्स्ट पेटा क्लास में डील करूंगा। आज जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसका एक रिवीजन करते जाइए। अगर आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर गए तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा, और फिर मुझे ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी कि सर कम समझ में आया। कई बार मुझे बोलते हैं कि सर क्लासेस कम समझ में आ रही हैं। तो अब हमें एक बार 5-10 मिनट का रिवीजन सेशन भी रखूंगा। ऑल दो मैं आपको देख नहीं रहा हूं, केवल आप मुझे देख रहे हैं और हम एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम लोग अगर चाहें तो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करके एक रिवीजन 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। चलिए, आरएच विटेकर ने कितने किंगडम बताए? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, दो लोग यूनिसेलुलर, फंजाई प्लांट एनिमल मल्टीसेलुलर। ओके, ये यूनिसेलुलर लोग हैं मोनेरा प्रोटिस्टा, लेकिन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऐसा क्या है जो मोनेरा में नहीं है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, याद रखना। फंजाई से भगाया गया बंदा प्रोटिस्टा में, प्लांट से भगाया गया बंदा प्रोटिस्टा में, एनिमल से भगाया गया प्रोटिस्टा में। इसलिए प्रोटिस्टा कुछ नहीं है बल्कि 3 लोगों का समूह है, प्लांट से भगाया हुआ, एनिमल से भगाया हुआ, फंजाई से भगाया हुआ। प्लांट से क्यों भगाए गए, फंजाई से क्यों भगाए गए, एनिमल से क्यों भगाए गए? पहला क्वेश्चन, क्योंकि प्लांट फंजाई और एनिमल मल्टीसेलुलर है, अगर उनमें कोई यूनिसेलुलर हुआ तो वो वहां नहीं रखा जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो यूनिसेलुलर प्लांट जैसा, यूनिसेलुलर फंजाई जैसा, यूनिसेलुलर एनिमल जैसा लोग कहां पर आएगा? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा इसीलिए रिफ्यूजी कैंप माना गया और उसकी अपनी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, उसमें 3 जैसे लोग हैं। फिर हमने बोला टोटल 5 क्लासेस हैं जो पढ़नी है, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लेनोइड, यस, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैजलेट दे आर द प्लांट लाइक, यूग्लेनोइड ये प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी, स्लाइम मोल्ड, मोल्ड मतलब फंजाई, वो फंजाई जैसा, और प्रोटोजोआ, जोआ मतलब एनिमल, वो एनिमल जैसा। हमने क्राइसोफाइटा, डायटम और डेस्मिट्स पढ़े, इसके अलावा डाइनोफ्लैजलेट पढ़े, यूग्लेनोइड पढ़ा। यूग्लेनोइड की फर्दर मॉर्फोलॉजी और बातें जो है वो बाकी रह गई, इट विल बी टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और बताइएगा जरूर कैसा लगा। आई विल बी हैप्पी, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है और वो कहते हैं सर कम समझ में आया, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 9319055284, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज छोड़िए कि कौन सा पोर्शन आपको नहीं समझ में आया। चूंकि हम लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, जान नहीं पा रहे, इसलिए आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, तो आप उन क्वेश्चंस को मेरे को व्हाट्सएप में छोड़ दीजिए और बता दीजिए कि मैं फ्रेश नए बैच का बंदा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज कई बार आ जाते हैं पीटर बैच के भी, तो आप बता देंगे तो मैं थोड़ा उसे पहले आपको आंसर कर पाऊंगा। तो इस नंबर पे आपको कोई भी तकलीफ हो आप मुझे बताइए, और वैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्लोली मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको सब कुछ समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक एंड गुड डे, बाय बाय।